8K गेमिंग भाई डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। हमने मोबाइल पे गेमिंग एक्सबॉक्स PS5 और एक्चुअल 8K में भी हमने हल्की फुल्की गेमिंग ट्राई करी, बट इस वाली वीडियो में हमने पूरा 8K गेमिंग का मसाला चेक करने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। जब यूजुअली गेम खेल रहे हो तो आप 1080p रेजोल्यूशन में खेल रहे हो और 1080p और 8K में 16 times का फर्क है। मतलब एक्चुअल जो अपने लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो उससे 16 गुना ज्यादा क्लियर दिखती है 8K पे अगर आप खेलते हो। और इस सुनने में नंबर बहुत अजीब सा बड़ा सा लगेगा, बट एक्चुअल रियलिटी में गेम के अंदर दाढ़ी के बाल की जुएं भी दिखेंगी भाई। मेरे नहीं है बट लाइक हो सकती है। बस एक छोटी सी दिक्कत, थोड़ा सा महंगा है। 4K टीवीज आपको 30,000 के अराउंड देखने के मिल जाते हैं। 8K अगर आप कोई डिस्प्ले लेने जाओ तो आपको 1,00,000 रुपए तक का देखने के लिए मिलेगा, वो भी एकदम स्टार्टिंग रेंज है। और एक 8K गेमिंग कंप्यूटर को असेंबल करना जो एकदम आराम से चला पाए उसके लिए एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, खाली गेम को नॉर्मली चलाने के लिए तो लाखों का खर्चा आ जाता है। बट दाढ़ी के बाल की जुए ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स गो। हमने PS5 पे भी 8K गेमिंग ट्राई करके, बट बहुत ही कम गेम्स होती है जो एक्चुअल उस क्वालिटी पे चल पाती है और काफी तगड़ा हार्डवेयर होता है। तो बेसिकली हमने इस कंप्यूटर के साथ एक 8K टीवी को कनेक्ट कर रखा है और इस टीवी पे आप हाई क्वालिटी गेमिंग करने वाले। मैं बेसिकली फर्क बताने की कोशिश करूंगा कि 8K और नॉर्मल के तात है, पर हम बाकी लोगों से पूछेंगे। सबसे पहली गेम हम खेलेंगे साइबर पंक, काफी बड़ी भारी भरकम सी गेम है, उसको चलाना भी भाई काफी बड़ी बात है और 8K फुल ग्राफिक्स में चलाना और भी बड़ी बात है। तो लेट्स भाई ये हम चला रहे हैं एवेंजर वाली, हमने गाड़ी ले ली। ओ लेफ्ट से ज्यादा। ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी जब बैठोगे ना तो उसी के कॉकपिट वाली फील आ रही है। पर अभी जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मतलब मैंने ये हमारी तेज चला रही, इनके बाल काफी अच्छे दिख रहे हैं और जो सड़क के ऊपर भी टेक्सचर है जैसे पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन है, रे ट्रेसिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड जो ऊपर देखो भाई पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, ओ भाई अभी जैसे क्लोजअप में मैंने कर दिया है, डर्ट भाई इतने क्लियर दिख रहे हैं ना। ओ एक्सीडेंट, ओहो सड़क पे भाई जो धूल वूल भी पड़ी है ना वो भी ऐसा लग रहा है मैं इसको उछाल भी सकता हूँ। इस पे सड़क देखो भाई, सड़क एक्चुअल असली लग रही है इस वाली शॉट में अगर मैं साइड से। ओहो हो क्लैरिटी भाई, हल्का सा लैग आया। 8K भाई गेम को चलाने में भी काफी मेहनत हो जाती है भाई। ये नोएडा वाली व्हील दे रहा है भाई। ये नमस्ते अंकल, बंदूक निकाल ली भाई, बंदूक पिस्तौल, मेरे हाथ की चमक अलग दिख रही है यार। ये जैसे कि आप देख सकते हो ये हम 1080p में खेल रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल जो गाड़ी के टेक्सचर्स हैं उसके बाद भाई एक्चुअल सड़क है, सड़क काफी नॉर्मल सी दिख रही है। हम इतनी सारी चीजें मिस कर रहे हैं इसके ऊपर जो 8K में दिख रही थी भाई। सड़क की धूल गए, सड़क का पानी गए, रिफ्लेक्शंस किधर है भाई। गेमिंग हाई लेवल की करने के लिए हाई लेवल चीजों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ आया था हमारी इस वीडियो का स्पॉन्सर एयरटेल ब्लैक। ये एयरटेल की एक ब्रांड न्यू सर्विस है। इसमें काफी सारे जो पहले से एयरटेल के पास ऑप्शंस होते हैं जैसे फाइबर है, उसके बाद DTH है, फिर उसके बाद मोबाइल का आपका प्लान, ये सारे कंबाइन होके एक एयरटेल ब्लैक का प्लान क्रिएट हो जाता है। खोलने का हम सबके घर में मोबाइल DTH फाइबर लैंडलाइन सब लगा रखा है, सबके अलग अलग बिल, अलग अलग जो ये सारे बिल को कंबाइन करके एक बचत भी हो जाती है, साथ साथ मस्त मस्त फीचर भी एक साथ जुड़ जाते हैं। इन सबके साथ अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो एयरटेल ब्लैक का एक कस्टमर सर्विस आपको प्रीमियम लेवल वाला प्रोवाइड करा जाता है। प्लस एयरटेल एक्सट्रीम का जो बॉक्स है उसके कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है और उसके कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं है। ये सारी सर्विसेज मिला के 998 रुपीज से स्टार्ट हो रही है और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली भाई वेरी वेरी नाइस, हम तेजी से लगवाने वाले, आप भी लगवा सकते हो और हम गेमिंग भी चालू कर लेते हैं इसी हाई क्वालिटी नेटवर्क को यूज कर। लेट्स गो। ये वाली हमने गेम चला रखी है फोर्जा। इसमें क्योंकि भाई मैं 8K में देख रहा हूँ काफी सारे जो कट सीन्स हैं वो एक्चुअल 1080p या 4K में रिकॉर्ड है, जिसमें फर्क दिखता है भाई जब गेम प्ले और कट सीन में देखते हो। जैसे कि आप देख सकते हो छोटी छोटी चीजें हैं, पत्ते वत्ते भी हैं वो भी उठ रही हैं, वो अलग से दिख रही हैं भाई। और हल्का ठुक गए, टुकना नहीं है, इससे बचेंगे, कार से बचेंगे, आराम से धीरे धीरे टर्न ले लेंगे भाई। जैसे पानी भी है, पानी की लिटरल जो बूंदें हैं उन पे भी पूरे वर्ल्ड की ऐसे रिफ्लेक्शन से दिख रही है। ये सारी चीजें अगर आप एक्चुअल लो क्वालिटी पे देखोगे तो ये सारी गायब हो जाती है, पत्ते वत्ते होती नहीं सड़क पे। जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना इसके ऊपर वो भी काफी रियलिस्टिक से होती है। नीचे की साइड अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे बर्फ आ रही है और इस बर्फ में भी एक्चुअल रिफ्लेक्शन दिख रही है। अब एक्चुअल 1080p में अगर खेलो, और तो मैं ठुकता चला जा रहा हूँ, बट काफी सॉफ्ट फुटेज है, जो रिफ्लेक्शन है वो काफी कम है। गाड़ी में भी जो रिफ्लेक्शन आ रही थी वो भी बहुत ही कम हो गई, बर्फ भी अजीब सी लग रही है, सब कुछ बहुत सॉफ्ट सा हो गया। एक काम करते हैं टीम को भी दिखाते हैं, तब उनको भी रियलाइज होगा कि भाई कितना ज्यादा फर्क आ जाता है। कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है? मैं स्मूथ लग रहा है, तगड़ा लग रहा है।
पिक्सेलेटेड आ रहे हैं टायर्स वगैरह। क्या बात कर रहा है, सही तो लग रहा है, मतलब थोड़ा तो कम है। अरे टायर में डिजाइन है, वो टायर का दिख भी अच्छा, ये एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? एनवायरनमेंट पे अच्छा लग रहा है, ब्लरी लग रहे हैं। अब आ गए 8K के ऊपर, अब कैसा लग रहा है भाई? बहुत सही भाई, खतरनाक रिफ्लेक्शन भाई, डिटेल विटेल एकदम साफ दिख रही है सारी सारी। ऐसा लग रहा है सच में मैं ही चला रहा हूं, पहले हेजी सा आ रहा था, बिल्कुल ही क्लियर है, कलर्स भी एकदम चटक से हो गए हैं। नीचे रोड के सारे पत्थर एकदम क्लियर दिख रहे हैं, एकदम रियल जैसा लग रहा है भाई। देख गाड़ी की चमक कैसी लग रही है, बप्पी लहरी क्या लगी था इसको देख के। हम रेड डेड रिडेम्पशन खेलेंगे भाई, चश्मा लगा के भाई, बादल ओ कटक बटक भाई, लिटरल सारी दूर दूर तक सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। इसकी टी शर्ट पे टेक्सचर आ रहा है, हमारे अंकल आ रहे दौड़ दौड़ कर। एक चीज थोड़ी सी दिक्कत है कि लाइक सब येलो येलो सा थोड़ा दिख रहा है, हो सकता है आपने सच में लगाया। हाँ मतलब अभी भी येलो है, सही है, चल जाएगा भाई। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना वहाँ पे जैसे पॉन्ड में जो रिफ्लेक्शन आ रही है एकदम कोने की साइड पे, अगर आप देखोगे नीचे जो रेत है काफी ज्यादा नेचुरल एकदम असली वाली फील दे रही है। अगर मैं लेफ्ट साइड दिखाऊं भाई, थोड़ा सा बादल भी उड़ रहे हैं, खुला खुला मौसम, घोड़े की मसल्स भी दिख रही है, देखो जिम्फ्री का घोड़ा है। ओ ये बादल आ रहा, बादल आ रहा, एलियन तो नहीं आ गया तक, तक, ओहो। ये अब हमने कर दिया 1080p पे, इस पे जैसे कि देख सकते हो भाई जितने भी टेक्सचर्स है मतलब इसमें भी सही लग रही है ग्राफिक, ऐसा नहीं बेकार लग रही है, इसमें मजा आ रहा है गेम खेलने में, मस्त। वैसे एक्चुअली ज्यादा स्मूथ चल रही है, फ्रेम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया, बट भाई वो रेत की ऐसी सौंधी सौंधी महक सी नहीं आ रही, फिर नीचे पानी के ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहे थे, फिर घोड़े की जो नसें और अपनी मस्कुलर बॉडी थी, अब घोड़ा जिम्फ्रिक नहीं रहा, घोड़ा डाइटिंग पे आ गया। नीचे देखोगे अगर आप सही दिख रहा है, मतलब लाइक जमीन वमीन बढ़िया दिख रही है, सारे टेक्सचर्स है, सब कुछ है, लोग बड़े दिख रहे हैं, बट एक्चुअली मजा नहीं आ पा रहा यार। अब बिरयानी एक बार जो चख लेता है उसको पुलाव में काम आ जाता है यार। हल्के हल्के से ना फ्रेम ड्रॉप्स भी आते हैं जब मैं ऐसे माउस वाउस मूव करता हूँ, बट भाई जो ग्राफिक्स है वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। इतना भारी भरकम पीसी भी 8K पे अच्छे से नहीं चला पा रहा है। भाई फुल टू मनाली शिमला वाली फीलिंग आ रही है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी इसको 8K में चला रखा है और इसमें जितने भी टेक्सचर्स हैं सारी कितने ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं। और एकदम अगर मैं इसे पास से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप शायद थोड़े बहुत पिक्सल्स देख पाओगे, जैसे अगर मैं 1080p में दिखाऊँ तो टेक्सचर थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से रहेंगे, थोड़े कम चमकीले हैं, इतने ज्यादा डिटेल नहीं है। 1080p 4K 8K में ये भी फर्क है कि अगर आपने 8K पे चला रखी है तो एकदम पास खड़े होके भी अगर आप गेम खेलोगे ना तब भी आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा। अगर मैं लिटरली इतनी पास आ जाऊँ ना तब मैं एक्चुअल इसके पिक्सल देख सकता हूँ, बट अगर 4K है तो मेरे को इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर 1080p है तो मेरे को लिटरली भाई 2-3 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा टीवी से, तब जाके मेरे को पिक्सल दिखने एकदम बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली एकदम सीधा सीधा 8K गेम खेलने में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बट एट द सेम टाइम जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई होती है तो टेक्नोलॉजी काफी महंगी भी होती है, उसी की वजह से 8K जो अभी मॉनिटर्स हैं, जो 8K टीवीज हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, उसके बाद 8K गेम्स भी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा कम अवेलेबल है, बट भाई डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, और होपफुली हम भी एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा पाए, और अगर पहुंचा पाए तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।